हम ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमंस अपने आप को बदल क्यों नहीं पाते, अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पाते, व्हाई ह्यूमंस डोंट चेंज। बदलाव जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में आता है। ह्यूमंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है इंसानों की कि आज उसके पास डिस्ट्रैक्शन के इतने सारे माध्यम हैं जिससे वो प्रेजेंट में रह ही नहीं सकता। बदलाव आता है जब हम प्रेजेंट से एस्केप नहीं करते, जो व्हाट इज है, जो रियल है, सच्चाई आपके सामने प्रेजेंट है। आप स्ट्रेस में हो, उस स्ट्रेस को जब आप महसूस करते हो उसको देखो जरा, उस स्ट्रेस को, उस फैक्ट को फेस करो। लेकिन चलो मूवी देखने चलते हैं या फिर बात करने लगते हैं, कुछ फेवरेट फूड खा लेते हैं, मतलब कि प्रेजेंट से बार बार जो ट्रुथ है उससे बार बार भागना। और जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन के इतने मीडियम्स हैं, जो सोशल मीडिया का टाइम है, कि यहां पर एक इंसान चाहकर भी प्रेजेंट में रह ही नहीं सकता। आज उसके सामने उसका मोबाइल है जो कि उसकी पूरी दुनिया है, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, लोग कहीं ट्रिप्स पर जा रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, उसकी पिक्स डालना, दिखावा करना, वो चीज जो इंसान देख रहा है उसके अंदर आ जाती है, वो इमेजिन करने लगता है मैं भी ऐसा करूंगा, वो कहां रह पा रहा है प्रेजेंट में। और जब तक वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा तब तक वो अपने अंदर की जो बायोलॉजी है, अपने अंदर का जो फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस पर इंसाइट कैसे लेगा, वो उससे भागता ही रहेगा। और सबसे बड़ी, जो सबसे बेकार चीज उस दुनिया में आई है वो ये कि हमारे अंदर स्ट्रेस हो रहा है। चलो स्ट्रेस की वीडियोस देखते हैं, स्ट्रेस क्या है। यहां पर आप किसी और की बातें, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी हूं यहां पर इस जगह पर, तो कि आप मेरी बात सुन रहे हो कि व्हाट इज स्ट्रेस, विदाउट उसमें जाए हुए। लेकिन अगर आप साथ साथ ये कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं इस चीज के बारे में और आप साथ साथ कर रहे हैं, तो बेनिफिट है इस चीज का। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं साथ साथ, तो आप प्रेजेंट में है। लेकिन अगर आप देखो, इस बारे में बाद में सोचना कि ये व्यक्ति कहां से है, क्या बोल रहा है, इसको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, या इसको कुछ ज्ञान नहीं है, ये सारी चीजें वीडियो खत्म होने के बाद सुन लेना। लेकिन अभी इस वक्त जो व्हाट इज है, जो पूरा वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, हमें उसमें रहते हुए चीजों को इंक्वायर करना है। जो अभी है बिल्कुल, इस फैक्ट से बिल्कुल मूव नहीं होना। तो जब आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करोगे, तो आपके अंदर फियर आया, स्ट्रेस आया, कुछ भी आया, आपके अंदर एंजाइटी आई, आप उस दौरान भी प्रेजेंट में हो, तो इससे क्या होगा, क्योंकि आप अपनी, आपको फियर आया, आप उस दौरान भी प्रेजेंट में हो, तो फियर और आप में कोई फिर डिफरेंस नहीं रहेगा, आपके अंदर एक ड्वालिटी नहीं रहे, क्योंकि आप फैक्ट से मूव नहीं कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, एस्केप नहीं कर रहे हो, तो फियर और आप में कोई अंतर नहीं रहा, ड्वालिटी खत्म हो गई, द्वंद खत्म हो गया। यानी कौन सी चीज है जिससे आपको लड़ना है, अब आप और फियर एक ही है, तो आपको लड़ना किस चीज से, किसी चीज से नहीं। यस, जब आप फियर के साथ रहोगे आपकी एंजाइटी अप होगी, आपको स्ट्रेस होगा, आप एक्सपोजर लोगे उस चीज का, बट सच्चाई क्या है, सच्चाई यही है कि आपको फियर के साथ रहना पड़ेगा, उसके कॉन्टेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उसके साथ रहते हो, ये बायोलॉजिकली भी प्रूव है, साइंटिस्ट जो साइकेट्रिस्ट है वो ये करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP एक टेक्निक है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर उस टाइम पर एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, और जो आप उस जगह ही कर रहे हो, आप उससे भाग नहीं रहे हो, उसी वक्त आप बिल्कुल उस चीज के लिए तैयार हो, रेडी हो, कोई पोस्टपोन नहीं, कोई डिले नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप हमेशा प्रेजेंट में रह रहे हो, और जैसे ही आप प्रेजेंट में रहना सीख गए, बस आपका काम हो गया, इट्स वेरी इजी। फिर आपके अंदर जो स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी ये
सफरिंग की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, बट आपके लिए एक खेल लगेगा, आपके लिए बस एक एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन लगेगा जो आ रहा है, बस जा रहा है, जैसे दिन रात होते हैं, बस सर्दी गर्मी होती है जैसे बस। तो डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, तो 24 टॉपिक्स में, 24 वीडियोज में मैंने क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।